की तलावत। अपने अपने मरहूमीन मिर्ज़ा नदीम अब्बास साहब के वालद बुजुर्गवार, उनके तमाम मरहूमीन की बुलंदी दराजात के लिए एक सलवात की तलावत फरमाएं। एक सलवात शुहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखसूस शहीद विलायत अली सरकारी अल्लामा नासर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए तलावत। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے مل کے ایک صلوات پڑھ لیں ذرا एक सलवात ऐसी पढ़े कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पे लिखी जाए। इजाज़त है गुफ्तगु शुरू की जाए। बानी की हैसियत से यहाँ हाजिर हूँ, ज़्यादा लंबी गुफ्तगु का वक्त नहीं। मौला की अजीम मदा खान पढ़ चुके हैं और मेरे बाद किबला काबा इज़्ज़त माब सरकार अल्लामा आसफ रज़ा अलवी साहब तशरीफ़ फरमाएं। उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। शुक्र अदा करना चाहिए हर उस बंदे को जिसको अल्लाह की तौहीद, नबी की नबुव्वत और अली की विलायत नसीब हुई। 7 बजे की मजलिस शुरू है, आपने इतना कमाल सुना है, पढ़ने वालों ने इतना कमाल पढ़ा है कि मैं बिल्कुल भी आपसे किसी किस्म के दाद के मुतालबे का अब हक नहीं रखता। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू, खुदा इलम यजल का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद जैसा नबी दिया और अली जैसा इमाम दिया। इस्लाम जैसा दीन मिला, दीन वो मिला जिसको ज़ाहरी निगाह से देखें तो इस्लाम नज़र आता है, दिल की निगाह से देखें तो एहसान नज़र आता है। इस्लाम वो मज़हब है जिसने माशरे के हर फर्द पर एहसान किया, इंसानों को मुसलमान बनाया, मुसलमानों को मोमिन बनाया, हैवान नुमा इंसानों को इंसानियत सिखाई, इंसानों को रहने का जीना जीने का सलीका सिखाया, इंसानों को बताया कि बड़ों का मकाम क्या है, छोटों के साथ शफकत कैसे की जाती है। इस इस्लाम ने अरब के माशरे के अंदर बसने वाले हैवानों को ऐसा इंसान बनाया कि इस्लाम के एहसान के सदक़े से बड़े बड़े लानतुल्ला रज़ी अल्लाह बन गए। जिसको बात की समझ आए उसका बाजू कम अज़ कम बुलंद होना चाहिए। बड़े बड़े लानतुल्ला रज़ी अल्लाह बन गए। इस्लाम ने माशरे के हर फर्द पर एहसान किया। तमहीद का बिल्कुल वक्त नहीं, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। घंटे की तकरीर एक लफ्ज़ में कहना चाहता हूँ, अगर आप कबूल फरमाएं। इस्लाम ने एहसान बड़ों पे किए, पर सबसे ज़्यादा इस्लाम ने जिन पर एहसान किया उन्हें ख़वातीन कहते हैं। तो चुप करना बनता ही, ये जुमला मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए कह रहा हूँ। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जिन पर एहसान किया उन्हें ख़वातीन कहते, क्योंकि ऐलान इस्लाम से पहले औरत को गाली समझा जाता था, बेटी पैदा होती तो जिंदा दफन कर दिया जाता, अगर जवान हो जाती तो शादी ना की जाती, कि ये शादी करके जब किसी के घर जाएगी तो इसका शोहर हमारा दामाद कहलाएगा।
और अगर बदनसीबी से औरत बेवा हो जाती तो उसे लानत समझा जाता, और अगर मुतलका हो जाती तो उसे मनहूस समझा जाता। इस्लाम ने औरत को उसका मकाम दिलवाया। रसूल खुदा ने बताया कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का मकाम क्या है। इस्लाम ने जिस पर सबसे ज्यादा एहसान किया बेटा उसे खवातीन कहते, और इस्लाम पर जिसने एहसान किया उसे खतीजा कहते। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। इस्लाम पर जिसने एहसान किया उसे खतीजा कहते। अब हस्तियां दो किस्म की हैं, एक वो जिन पर इस्लाम का एहसान है, एक हस्तियां वो हैं जिनका इस्लाम पर एहसान है। इस्लाम का जिन पर एहसान है वो और हैं, इस्लाम पर जिनका एहसान है वो और हैं। मेहरबानी करे उम्मत मुसलमा फिरका वारियत को छोड़ के हकीकत की ऐनक लगा के कम अज कम अपनी किताब में मौलवी पढ़ के बताएं कि वो हस्तियां कौन हैं जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किया। तू ना बोलिया भाई, तेन समझ नहीं आई मेरी गल दी। जरूरत इस अमर की है कि वो हस्तियां तलाश की जाएं जिन हस्तियों ने इस्लाम पर एहसान किया, जिन हस्तियों ने, मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा, और चेहरे पढ़ के मैं पता करूंगा कौन कौन बंदा यहाँ पे क्या क्या लेने के लिए आया हुआ है। वो हस्तियां तलाश कर जिन हस्तियों ने इस्लाम पर एहसान किया। अगर तुझे अली की दुश्मनी से फुर्सत मिल जाए सारी किताबें छोड़ कुरान पढ़, कुरान तुझे पहली हस्ती बताएगा जिसने इस्लाम पर एहसान किया। वो हस्ती और कोई नहीं, अली का बाबा अबू तालब है। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर, सैयदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मेहरबानी करे मौलवी बनु अमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी मेहरबानी करें, छोटे भाई की सलवार पहन के बड़े भाई की कमीज पहन के, किताबों से अली के बाबे का ईमान ना ढूंढे, अली के बाबे के एहसान ढूंढे। किताबों से ये ना ढूंढ अली के बाप ने कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, ये देख अली के बाप के एहसान कितने। अली के बाप ने मोहम्मद को ऐसा पाला कि अल्लाह ने भी कहा अलम यजद का यतीमन फावा, तूने नहीं पाला हमने पाला। खुदा इन हाथों को किसे मैं नतीजा देने लगाऊं। एहसान इमरान पढ़ने की जरूरत है, ईमान इमरान पढ़ने की जरूरत नहीं। फैसलाबाद वालों तुम इतना नहीं जानते मुल्ला को जितना मैं जानता हूं। मुल्ला अकलमंद नहीं होता, मुल्ला चलाक होता। किबला सफरत आलवी साहब मेरी बात की तहीद फरमाएंगे, इनके दादा उस्ताद किबला उकाबा मुबल्लग आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब फरमाया करते थे, अकल है तो मौलवी नहीं। मौलवी है थे, तू हाथ खोल दे, तेरी मेहरबानी हाथ खोल पे मेरे साथ। अकल है तो मौलवी नहीं, मौलवी है थे। मुल्ला चलाक है, अकलमंद नहीं। ये जो दो हफ्ते पहले से एक तहरीक शुरू हुई है बिलखसूस नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये मौलवी अशरफ आसफ हरामी ने जानबूझ के, लोगों का रुख तब्दील किया है। देखें बादरत के साथ जब बड़ा वाकया होता है तो लोग छोटा वाकया भूल जाते हैं। असल में मौलवी बड़ा चलाक है, उसने बात का रुख तब्दील किया है।
जब से एक बहन ने, एक बेटी ने, एक मौलाई बहन ने टीवी पे बैठ के ये कहा कि मोहम्मद की बेटी को हक नहीं मिला, मौलवी परेशान था क्योंकि लोग पूछते थे बता जिन्होंने हक नहीं दिया वो कौन है। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। मैं बात की तह तक तुम्हें ले जाना चाहता हूं। हुसैन की माइंड हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मौलवी बड़ा चलाक था, उसने सवालों का रुख फेर दिया, उसने हवा का रुख किसी और तरफ कर दिया। उसने कहा ये तो बहस छिड़ गई, अब मुझे बताना पड़ेगा कि वो कौन थे जिन्होंने बीबी का, हालांकि उस बेटी ने किसी का नाम नहीं लिया। दरखास्त में मौलवी ने खुद लिख दिया चोर कौन है। जबान बोल, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया ना, मौलवी ने खुद नाम लिख दिए। अब पूछा मौलवी से जाएगा तूने ये नाम क्यों लिखे। उसने बात का रुख तब्दील कर दिया। उसने कहा हक्के जहरा छुप जाए, बंदे इमरान के ईमान पे बात करें। और उसने ये बहस शुरू कर दी जी अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक आले मोहम्मद के टुकड़ों पे पलने वाले खुताबा मनाजिर जाकरीन जिंदा हैं, इनको जवाब हम देते रहेंगे। अगर तुम्हें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बंदा मिल जाए कि अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो बेटा झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं, मुस्कुरा देना है। और मुस्कुरा के ना बिल्कुल ठीक कह रहे, उन्होंने वाकई ही कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफर होता है। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे खामोश सामईन, उससे कहना भाई तू भी सच्चा है, झूठे हम भी नहीं। कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफर होता है। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा क्योंकि वो पहले काफर थे। मैं कुछ कह रहा हूं जो बंदे चुप, बैठो बताऊं किस किस ने पढ़ा, बताऊं किस किस ने पढ़ा। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा क्योंकि वो पहले काफर थे। हजरत उस्मान ने पढ़ा क्योंकि वो पहले काफर। तेरे बाप माविया ने पढ़ा वो पहले काफर। तहत देने का हमें दोनों हाथ बुलंद करके अली हक अली 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 कुल ईमान अली हक नारा हैदरी। असूल कलमा यह है कि कलमा काफर पढ़ता है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, महिला लाइव चल रही है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है, हमारी आवाज बंदों के दिलों में, बंदों की डायरियों में नकल की जा रही है। मैं हुकूमत पंजाब बिलखसूस पाकिस्तान की एजेंसियों से ये अपील करूंगा, शुरुआत मौलवी ने की है, हमने नहीं छेड़ा, तुमने है हमने नहीं। अब छेड़ा है तो फिर बर्दाश्त करो। अगर तूने कहा है अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, तो अली है तुम्हारे नजदीक चौथा खलीफा, अली का नंबर है चौथा। अशरफ आसफ जलाली मेहरबानी कर आना मीडिया पर, जल्दी कर, हफ्ते के अंदर अंदर तूने बात की है अली के मुतल्लिका कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली का है चौथा नंबर, तीन पहले हैं, पहले तीनों की बात कर। अबू बकर के बाप ने कब कलमा पढ़ा। जबान बोलने के लिए जो चुप करके बैठे हो, अली का
का नंबर है चौथा। नीचे बैठो, मैं जुमला मुकम्मल कर दूं। अली का नंबर है चौथा, अली की बात चौथे नंबर पे करना। पहले बता, तेरे पहले खलीफा के बाप कहाफा ने कलमा कब पढ़ा? फिर बता, तेरे दूसरे खलीफा के बाप खत्ताब ने कब कलमा पढ़ा? फिर बता, तेरे तीसरे खलीफा के बाप अफ़ान ने कब कलमा पढ़ा? की है फेसबुक पर मुझे मां बहनों बेटियों की गालियां देने वाले मजहब के नाम निहाद दानश्वरों, गाली ना दो, जवाब दो, उनके पापों ने कैसे कलमा पढ़ा? सालन कोई नहीं देता, जो मशहूर होना चाहता है वो आले मोहम्मद को भौंकना शुरू कर देता। हम अगर इन्हें बात का जवाब दें तो बंदे के इत्तेहाद को खतरा है। ओ भाड़ में गया ऐसा इत्तेहाद। जितने मुकसर मौलवियां कान खोल के सुन लो, हम बात करें तो तुम कहते हो किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। क्या हमें अली का बाप मुकद्दस नहीं? पहले बेसुरे मौलवी नु मीर साहब 5000 दता है जी, हालांकि सुरीले जाकर भाई शराफत नहीं, नारा तो ऐसे लगाया है जैसे आखिरी टाइम है जी, ऐसे तो ना करें ना जी। दम दम अली लाली कर, ईमान अबू तालब की बहस बंद की जाए। आसफ अलवी साहब तशरीफ फरमाए, इनके लिए जुमला पढ़ता हूं ताकि इनसे दुआ ले सकूं। आपके फैसलाबाद के बहुत बड़े अहले सुन्नत के आला, और जितने नौजवान बैठे हो, जिसने अबू तालब को भौंका है, जो हजरत इमरान के खिलाफ बकवास कर रहा है, ये सुन्नी नहीं, सुन्नी हमारे भाई हैं, ये सुन्नियों से निकला हुआ एक फिरका है। बल्कि मैं जुमला छोड़ नहीं, मैं नाम लेके जुमला पढ़ता हूँ। अल्लामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब फरमाते हैं, ये सुन्निया का मुकसर है। अल्लाह मर जाए जरा समझे आते बोलिया नहीं। ईमान अबू तालब की बहस में मैंने अपने कहले सुन्नत दोस्त को कहा, मुझे कहता यार बड़ी इज्जत मिली है तुझे, बड़ा मकाम मिला। मैंने कहा मिला आले मोहम्मद के दरवाजे से। मुझे कहने लगा अच्छा मुझे बता मैं क्या करूं। मैंने कहा तू जुमे की तकरीरों में हजरत अबू तालब का तस्करा किया कर। कहता करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। शराफत भाई मौलवी कहता करूं, दोस्त मेरा कहता करूं तो क्या करूं, मुझे किताबों में उनके बारे में कोई रवायत ही नहीं मिलती। एक रवायत मिलती है कि नबी ने उनके कान में कहा था कलमा पढ़ दें, उन्होंने कहा था मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा यही तो दुख है, कान वाली बात याद है, ऐलान वाली भूल गया। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर शेरे पाकिस्तान के सुपुर्द करने लगा हूं। मैंने कहा तुझे याद है मदरसे में हम पढ़ते थे, जब मदरसे में तालिब इल्म जाता है तो उसे एक हदीस सुनाई जाती है, हर मदरसे में वो हदीस पढ़ाई जाती है। कहता कौन सी? मैंने कहा तुझे भी याद होगा, मदरसे में हमें सुनाया जाता था जब दीन का तालिब इल्म
इल्म हासिल करने के लिए घर से चलता है तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। कहता बिल्कुल याद है। मैंने कहा इससे भी अजमत इमरान अय्या है। कहता कैसे? मैंने कहा फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनकी जूतियां साफ करें उन्हें उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका एहतराम करें उन्हें आलिम कहते हैं। आलिम जिनका एहतराम करें उन्हें फकीह कहते हैं। फकीह जिनका एहतराम करें उन्हें रावी कहते हैं। रावी जिनका एहतराम करें उन्हें तबा ताबईन कहते हैं। तबा ताबईन जिनका एहतराम करें उन्हें ताबी कहते हैं। ताबी जिनका एहतराम करें उन्हें सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका एहतराम करें उन्हें नबी कहते हैं। सवा लाख नबी जिसके एहतराम में उठ के खड़े हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। रसूल जिसकी इज्जत में उठ के खड़ा हो जाए उसे जहरा कहते हैं। जहरा जिसकी जूती साफ करे उसे अली कहते हैं। अली जिसे सलाम करे उसे अबू रजब को इसी मरकजी मामा